मध्यकालीन निर्गुण संत कबीरदास के दोहों में काया योग, रहस्यवाद, जीववाद, निर्गुणवाद एवं परम तत्व रूप राम आदि अनेक सिद्धांतों की झलक मिलती है। मूलतः कबीर अद्वैत वेदांती है। कबीर का ब्रह्म मात्र निर्गुण नहीं है, निर्गुण होते हुए भी कबीर दया, करुणा, प्रेम और भावना के पुंज हैं। संत कबीर की साधना में ज्ञान और भक्ति का अपूर्व मिश्रण है, अपूर्व मिलन है। ढोंग, आडंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कट्टर विरोधी कबीरदास जी रहे। उन्होंने समाज के उन सभी आडंबरी पंथों और संप्रदायों पर चोट किया है जो बाहरी दिखावा के पक्षधर है। दिखावा का मतलब समझ रही हो? दिखावा, जो हम है नहीं वैसा दिखने की कोशिश करना, वही दिखावा है। आडंबर उसी को कहते हैं। बाल मुंडा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त्र गंगा लेने से कोई फकीर नहीं हो जाता, दाढ़ी रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। कबीरदास जी इसको आडंबर मानते रहे। हम स्वयं अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते, परंतु दूसरों के कमियों को, त्रुटियों को देखते फिरते हैं। अपने घर को, अपने आचरण को नहीं सुधारते, पर दूसरों से यही आशा रखते हैं। हम अपनी कमियों को नहीं आंकते, अपनी छिद्रों को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के छिद्रों को बड़ा करने में मशगूल रहते हैं। अपने अवगुणों को देखना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते। वहीं दूसरों के गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित करने के लिए लगे रहते हैं, कुचक्र रचते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि रे मन, ऐसा मर जिससे फिर कभी मरने की नौबत ही ना आए, अर्थात जन्म मरण से ही छूट मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। मरता मरता महिमा अपरंपार है, प्रभु की भक्ति अपरंपार है। उनके गुण गाथा का वर्णन कौन कर सकता है? किसकी लेखनी में इतना दम है, इतनी शक्ति है कि प्रभु के गुणों का वर्णन कर ले? इस बात पर कबीरदास जी कहते हैं, संबंध की मसी करो, सात संबंध की मसी करो, लेखन सब बन राई, धरती सब कागद करो, तो हरि गुण लिखान जाए। कितनी अच्छी बात कबीर ने कही है कि सातों समुद्रों को स्याही में, सातों समुद्र, समुद्र सात हैं, तो सातों समुद्रों को स्याही में परिवर्तित कर लिया जाए, तथा संपूर्ण जंगलों को, वनों को और उनकी लकड़ियों को कलम में परिणत कर लिया जाए, और संपूर्ण धरती रूपी कागज पर भगवान के गुणगान लिखे जाए, उनके चरित्र लिखे जाए, तब भी उनके पूरे गुण नहीं लिखे जा सकते। सात संबंध की मस्सी करो, लेखन सब बन राई,
गुण निकाल जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मांगने से भी भला कुछ किसी को मिलता है, मांगना मृत्यु के समान है, मत मांगो। मांगण मरण समान है, मांगण मरण समान है, विरला बंचे को कहे कबीर रघुनाथ सो मतिर मंगावे मो मतिर मंगावे मो। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में मांगना मरण के समान है, मृत्यु के समान है, किसी के आगे हाथ फैलाना मृत्यु के समान है, पर इस मांगने की वृत्ति से कोई बिरला ही बचता है। हे प्रभु, हे भगवान, मेरी वृत्ति ऐसी कभी न बनाना कि मुझे मांगना पड़े। यही आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी वृत्ति ऐसी कभी नहीं बनाना। संचय की प्रेरणा है, शुद्ध प्रेरणा है, संचय अर्थात जमा करना। जानती हो कि जमा करने से उसका उपभोग सही नहीं हो पाता, पानी भी जब रुक जाता है उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है, उसकी धारा कुंठित हो जाती है, तो वह पानी सड़ जाता है, वह पीने योग्य भी नहीं होता। इस पर कबीर दास जी कहते हैं कि संचय की प्रेरणा अच्छी नहीं है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, सुनी हो ना, कि बस इतना ही दीजिए प्रभु कि मेरा कुटुंब का भी पेट भर जाए, मेरा भी पेट भर जाए। अर्थात पेट भर जाए यही क्या कम है, निरंतर प्रभु की सेवा में रत व्यक्ति को क्या चिंता। संतन बांधे गाठड़ी पेट समाता ले, संतन बांधे गाठड़ी पेट समाता ले, साई सुसन्मुख रहे जहां मांगे तहां दे। अर्थात साधु संचय करके गठरी नहीं बांधता, केवल पेट भरने लायक ग्रहण कर लेता है, निरंतर भगवान की ओर अभिमुख रहता है। अतः जहां और जब मांगते हैं तो भगवान उन्हें तुरंत दे देते हैं, झटपट दे देते हैं। कैसे संतन बांध